पैसा होने से कोई धनी नहीं होता, विरोध क्रोध का फूट जाना भी होता है, कष्ट बहुत होता है। वो बर्दाश्त की सीमा ही खत्म हो गई, सबका जीना हराम कर दिया सबका। अंबानी मांगते होंगे कि भगवान बिजनेस बना रहे, कि भगवान का आशीर्वाद मंत्र हम लोगों को भी पता चल जाए। तो जब वो भी मांग रही थी और मैं भी मांग रहा हूँ तो भिखमंगे तो दोनों है। अब हमारी साइकोलॉजी है कि जो लोग हमसे निचले स्तर पे हैं, जैसे आप SDM हैं, DM हैं, व्यापारी हैं, अरबपति हैं, और आपने अपने ड्राइवर से कहा कल 4 बजे आ जाना, उसने कहा साहब 4 बजे ना आ पाएंगे, किसी और को बुला लो, कष्ट बहुत होता है। जब भी अपने से नीचे का आदमी उपेक्षा करेगा, निग्लेक्शन, तो कष्ट बहुत होता है। उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह यह है कि वो आपकी ताकत को चुनौती दे रहा है, वो आपको यह दिखा रहा है कि आप ताकतवर मेरी नजर में नहीं है। विरोध सिर्फ औकात की वजह से नहीं होता, विरोध क्रोध का फूट जाना भी होता है। 1757 से ब्रिटिश शासन की भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शुरुआत हुई शासन की, सबका जीना हराम कर दिया सबका, किसानों का, जमींदारों का, राजाओं का, सबका, सबकी जिंदगी में प्रश्न चिन्ह लगा दिया सबकी। तो जो 1857 का विद्रोह है ना, वो औकात की वजह से नहीं है, वो बर्दाश्त की सीमा ही खत्म हो गई। इसलिए जो बहुत समझदार मां बाप हैं, जो बहुत समझदार बॉस हैं, वो अपनी लिमिट कभी नहीं क्रॉस करते हैं। जो बहुत समझदार मां बाप हैं, बजा दिए सुबह दिन में, शाम को 500 रुपए पकड़ा दिए, ये लो जाओ घूमो और आराम से, और मत क्या करो गलती यार, अच्छा लो 500 और रख लो। अब वो बच्चा फूट फूट के रोने लगा, पिताजी के गले लग गया कि पापा सॉरी पापा, अरे कोई नहीं जाओ आराम से आना 10 बजे रात तक। हाँ, कुछ माँ बाप हैं, कुछ बॉस हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं। मैं ऐसे सभी बॉसों को भी इशारा कर रहा हूं, पैसा होने से कोई धनी नहीं होता। मैंने तो आज तक माना ही नहीं, लोगों ने अरे 1000 करोड़ है, होगा 10,000 करोड़ रुपया CCD कैफे के मालिक के पास था, उसने सुसाइड कर लिया। पैसा होना अमीरी नहीं है, पैसे होने का ज्यादा का मतलब यह है कि अगर मैं 5,000 की घड़ी पहन रहा हूं तो आप 50,000 की पहन लेंगे, तो इसमें अमीरी की बात कौन सी है। अमीरी जिसके पास चैतन्य है, कॉन्शियस कबीर, वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि जिनके पास चैतन्य है वो कुछ नहीं मांगते, लेकिन पैसा जिसके पास है सब मांगते हैं, सभी भीख मांगे हैं। अंबानी मांगते होंगे कि भगवान बिजनेस बना रहे। एक किसी IPL के मैच में वो क्लिपिंग दिखाई गई थी कि वो नीता अंबानी जी जो है कोई माला फेर रही थी, तो उसमें मेम भी निकला था कि भगवान का आशीर्वाद मंत्र हम लोगों को भी पता चल जाए, वो भी कुछ मांग रही थी। IPL का मैच चल रहा था, वो भी मांग रही थी कि हमारी टीम जीत जाए। तो जब वो भी मांग रही थी और मैं भी मांग रहा हूं तो भिखमंगे तो दोनों हैं। ये कैपिटलिज्म का फैलाया हुआ भ्रम है कि जिसके पास पैसा है उसके पास अमीरी है। नहीं, नहीं, हो सकता है स्लीपर में बैठ के जो बंबई जा रहा हो वो 2 किलो मिठाई खाते हुए जा रहा हो मस्त हो, और जो हवाई जहाज में बैठा है वो कह रहा गर्म पानी पिला दो नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी।